हेलो फ्रेंड्स व्यूअर्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फखर जमान की इस धुआंधार बैटिंग के पीछे छुपे और राज के बारे में दोस्तों फखर की आज की बैटिंग पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे अच्छी और बड़ी परफॉर्मेंस है क्योंकि पाकिस्तान को आज इस परफॉर्मेंस की बहुत जरूरत थी पाकिस्तान के पास आज डू और डाई का ऑप्शन था और इसी दौरान फखर की धुआंधार बैटिंग ने पाकिस्तान को जीत से अमकनार किया दोस्तों फखर ने इस मैच में पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में सबसे तेज त्रीन सेंचुरी लगाई और दूसरा ये की फखर वर्ल्ड कप के एक ही मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले पाकिस्तानी नंबर वन खिलाड़ी बन चुके हैं दोस्तों फखर जमान की आज की इस परफॉर्मेंस पर पूरे पाकिस्तान को नाज हो रहा है बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि फखर वाकई में बड़े मैच का खिलाड़ी है दोस्तों चार सौ दो जैसे बड़े रन को चेज करने के हदफ तक सिर्फ फखर ही पहुंचा सकता है क्यूँकी वो एक मैच विनिंग प्लेयर है दोस्तों फखर जमान की आज की कमाल की बैटिंग तारीफ के काबिल है क्यूँकी फखर ने कोई लालच किए बगैर क्रिकेट खेली है वीयरस आपने देखा होगा की जब फखर सेंचुरी के करीब थे तो उन्होंने बॉल को डॉट्स करना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि वो जानते थे कि पाकिस्तान को इस वक्त एक अच्छे रन रेट की जरूरत है और वो सेंचुरी के करीब होते हुए भी छक्के लगा से बिल्कुल भी नहीं हिखाई दोस्तों आज के मैच में फखर ने तेज तरीन सेंचुरी लगाई है इससे पहले ये नजीर के पास था और आज फखर ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया जब को के पर कहर बनकर टूट पड़े दोस्तों आज के इस मैच में फखर जमान के छक्के इंतजारी अहमियत के हामिल है इस परफॉर्मेंस के पीछे क्या राजो जैसे की आप जानते हैं फखर जमान को काफी अरसे फिर पहले एल पी एल खेल रहे थे और लीग के फौरन बादशिया कप शुरू हो गया फिर एशिया कप में भी फखर इतनी परफॉर्मेंस ना दे सके क्योंकि पाकिस्तान की टीम को एशिया कप में बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ा था जिसकी वजह से फखर के साथ साथ टीम के सारे मेंबर्स पर भी काफी इफेक्ट पड़ा जिसके फौरन बाद ही दो का वर्ल्ड कप शुरू हो गया और पाकिस्तान को अपने प्रैक्टिस मैच भी खेलने पड़े जिसकी वजह ऐसी खिलाड़ियों को फिर से रस का मौका नहीं मिल सका दोस्तों फखर जब वर्ल्ड कप के शुरुआती मैचेस में बैटिंग करने के लिए आए तो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब थी उनकी इस खराब परफॉर्मेंस और उनकी इंजरीज को देखते हुए उन्हें टीम ऐसी ड्रॉप कर दिया गया लेकिन जब फखर को दोबारा टीम में बांग्लादेश के खिलाफ खिला गया तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा कम दिया क्योंकि दोस्तों इस बात से हम सब लोग ही वाकिफ है कि खिलाड़ी को रेस्ट की जरूरत होती है मेंटली भी और फिजिकली भी और जब फखर को यह रेस्ट मिला तो आपने देखा की आज के मैच में फखर ने कैसी परफॉर्मेंस दी और सबका दिल खुश कर दिया वाकई में फखर जमान पाकिस्तान का फखर है दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग